चीन भारत के लिए सिर्फ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर ही मसला नहीं बन रहा, बल्कि भारत के लिए इससे भी बड़ी परेशानी चीन का बहर हिंद में असर रसूख है। भारतीय मीडिया के मुताबिक चीन बहर हिंद में अपना असर रसूख दिन ब दिन बढ़ा रहा है। इसके लिए चीन अपनी दिजीबूति नामी बेस को इस्तेमाल कर रहा है। मई के महीने में मौसूल होने वाली सैटेलाइट तस्वीर के मुताबिक चीन इस बेस में तब्दीलियां ला रहा है। 2017 में सामान की तरसील को आसान बनाने के लिए बनाई जाने वाली बेस को अब चीन नेवल बेस में तब्दील कर रहा है, जिसके लिए एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए 1120 फुट का हिस्सा मुख्तस किया जा रहा है। दूसरी जानिब अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि चीन पाकिस्तान की ग्वादर पोर्ट को भी फौजी जरूरियात के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। भारतीय मीडिया के मुताबिक हालिया तस्वीर में देखा गया है कि इस इलाके में फौजी कंपाउंड, गार्ड टावर और फ्यूलिंग प्वाइंट तामीर किए जा रहे हैं। इसके अलावा चीन बांग्लादेश को कोक्स बाजार नेवी बेस के लिए मदद फराहम कर रहा है, जहां पे एम्यूनेशन डिपो और बहरी जहाज़ों की मुरम्मत के लिए वर्कशॉप तामीर की जाएगी। देबुची बेस में चीन का बढ़ता असर रसूख चीन के अजायम के मुतल्लिक बता रहा है। चीन बहर हिंद में भारत की ताकत के खुमार को तोड़ना चाहता है। 2,50,000 स्क्वायर फीट पर मुहित इस बेस में हफाजती दीवार, वाच टावर और अंडरग्राउंड क्वार्टर्स बनाए जा रहे हैं, जिसमें एक वक्त में 10,000 फौजी रह सकते हैं। चीन का कहना है कि वो सिर्फ अपने सामान की तरसील और तजारत को अफ्रीका तक आसान बना रहा है, जबकि आलमी तजिया निगारों का कहना है कि चीन का मकसद इंटेलिजेंस कार्रवाइयाँ, कॉम्बैट मिशन और दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ाई करना है।